राधे राधे, सबको प्रणाम। 15 अगस्त के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ढेर सारा। और उसी से रिलेटिव मैं थोड़ा सा एक रेसिपी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। कोकोनट बर्फी, 250 ग्राम कोकोनट की बुरादा ली हूँ, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और आपके पास अगर मलाई हो घर की तो आप मलाई डाल दीजिएगा, मेरे पास मलाई नहीं थी इसलिए मैंने ये 5 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ। और यहीं पे 1 गिलास दूध ली हूँ, आप फुल क्रीम दूध लीजिएगा तो फुल क्रीम दूध से अच्छा बनता है। और यहीं पे उस 250 ग्राम जिस कटोरा से मैंने ये कोकोनट की बुरादा ली थी उसी कटोरा से मैंने ये 2 कटोरा था तो मैंने एक कटोरा से भी आधा पौना कटोरा चीनी ली हूँ। यहीं पे 8-10 काजू मैं ली हूँ, इसको मैंने भिगो के रखा है। थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी, और कलर चाहिए और टेस्ट के लिए मैं ये इलायची, छोटी इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो केवड़ा वाटर, केसर, कुछ भी डाल सकते हैं। यहीं पे मैं मिक्सी जार में दूध को डाल दी हूँ, मैं चीनी भी डाल दूँगी। ये जो काजू मेरा पड़ा हुआ था, ये देखिए 10 से 12 काजू होंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये डालिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सबको मैं एक बार मिक्सी चला लेती हूँ। ये कितना स्मूथ बना हुआ है, इसी में मैं मिल्क पाउडर भी डाल दूँगी और इसको भी मैं इसी में चला लूँगी। ये देखिए सारे कुछ मैं इसी में डाल के, और कितने अच्छे से ये मिला हुआ है, देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है। इसी पे आप कढ़ाई गर्म हो गया तो इसी में मैं 1 से 1.5 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए, क्योंकि मिठाई तो देसी घी का ही अच्छा बनेगा। ये जो नारियल का बुरादा है अब मैं इसी में डाल दूँगी, इसको थोड़ा, इसको 3 से 4 मिनट धीमी आँच पर भून लीजिए। जलाना नहीं है, ना लाल करना है, ना गोल्डन करना है, बस थोड़ा 3-4 मिनट इसको भून लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए यहीं पे मैं 5 मिनट इसको धीमी आँच पे, एकदम स्लो आँच पे भून ली हूँ। अब ये जो मैंने पेस्ट बना कर रखी हूँ ये सब, इसमें इसको इसी में डाल दूँगी। इसको लगातार चलाते हुए हम इसको भूनेंगे, तो मिक्स कीजिए अच्छे से, ये सब कुछ मिक्स है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए मिक्सचर। यहीं पे मैं इलायची डाल, दूध में भी डाल सकते हैं तो आप यहीं पे डाल दीजिए 2-3, इसको भूनते रहिए लगातार। ये देखिए अब ये बन चुका है हमारा, मैं थोड़ा सा इसको प्लेट में डाल के देखती हूँ कि ये बंद रहा है कि नहीं यहाँ पे। और अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि इस कढ़ाई में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है। तो मैं तो हमेशा सारे मिठाई इसी कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन आपके पास अगर नॉन स्टिक हो तो आप नॉन स्टिक में ही बनाइएगा। देखिए ये एकदम से अच्छे से बंद रहा है, तो ये बन चुका है। अब मैं इसको बंद करूँगी गैस को, इसको मैं 3 हिस्से में कर ले रही हूँ। ये देखिए अब इसको मैं 3 हिस्से में बांट ली हूँ। वो पिंच में डाल रही हूँ ये फूड कलर, केसरी कलर, अब इसको अच्छे से मिला लूँगी यहीं पर। देखिए हमारा केसरी कलर तैयार हो चुका है, इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा ये हरा कलर चाहिए, 2 पिंच बहुत होता है, चाहे चम्मच से मिला लीजिए चाहे हाथ से मिला लीजिए, इसको भी अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए हरा कलर भी हमारा तैयार हो गया। देखिए अब मैं इसको असेंबल करूँगी तीनों को। ये बटर पेपर हो तो बटर पेपर डाल दीजिए, नहीं तो वैसे भी आप डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी देसी घी में लगा रही हूँ, इसको अच्छे से ग्रीस कर दीजिए जिससे निकलने में ये बिल्कुल आसान हो जाएगी। ये देखिए अब मैं इसको असेंबल करूँगी, सबसे नीचे हरा डाल देती हूँ, इसको अच्छे से फैला लीजिए। थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो घी का मदद ले सकते हैं आप। ये देखिए मैंने हरा कलर अच्छे से सेट कर दी हूँ, इसी के ऊपर आप अच्छे से सफ़ेद कलर चाहे तो चम्मच की मदद ले लीजिए या तो हाथ से ही ऐसे इसको फैला लीजिए। देखिए दोनों ही एक सा हो गया है, नीचे हरा है ऊपर सफ़ेद है, इसी के ऊपर से मैं ये केसरिया कलर डाल दे रही हूँ। अब इसको चाहे तो आप हाथों की मदद से कर लीजिए या तो आपके पास कोई सामान है तो उससे कर लीजिए। इसको देखिए मैंने हाथों से अच्छे से एक सा कर दी हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको 4-5 घंटे छोड़ दीजिए ऐसे ही काउंटर टॉप पर, नहीं है आपके पास टाइम तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटा, फिर उसके बाद आप काटिए, बहुत ही अच्छा पीस निकल के आएगा। तो हमारा ये
मिक्सर, ये जो मिक्सर था ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। और अब हम इसको लेयर्स में, इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। इसके लिए आप नाइफ़ पे घी का यूज़ कर लें, जो और भी ज़्यादा आपको ये इजियर बनाएगा कि आप इसे आसानी से कट कर। सो गाइस, हमारी ये ट्राई कलर बर्फ़ी बनके बिल्कुल तैयार है। बर्फ़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को ढेर सारा लाइक देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।